हेलो गाइस, दिस इज़ राज एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कॉर्नर विद राज मेहरा। आइए एक और न्यूज़ को कवर करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अम्बेडकर स्टैचू रॉ, तो स्टैचू मीन्स मूर्ति होता है, जो अम्बेडकर की मूर्ति है। रॉ मीन्स होता है विवाद, ठीक है, कलह, विवाद या फिर झगड़ा। अम्बेडकर की मूर्ति पे जो विवाद है, ठीक है, FIR अगेंस्ट 70, 70 लोगों पर FIR हो गई है। किसकी वजह से? ओवर अटैक ऑन पुलिस, पुलिस पर अटैक करने की वजह से, ठीक है। आइए इसे पढ़ते हैं, इसे समझते हैं। एज मैनी एज का मतलब होता है लगभग, करीब। एज मैनी एज 70 पीपल, 70 लोग, ठीक है, इंक्लूडिंग 40 वीमेन, लगभग 40 औरतें सहित। इंक्लूडिंग मीन्स होता है सहित। वर बुक्ड, मामला दर्ज कर लिया गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, ठीक है। मामला दर्ज कर लिया गया फॉर एलेजली, ऐसा आरोप है। फॉर किस लिए मामला दर्ज किया गया? फॉर अटैकिंग द पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। पुलिस पर अटैक करने के मामला दर्ज किया गया है, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासनिक, जो जिला प्रशासन के लोग हैं, उन पर अटैक करने के जुर्म पे उनको उन पर FIR कर दी गई है, ठीक है। हु वर अबाउट टू रिमूव द स्टैचू ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, जिन्होंने हटाना था, रिमूव करना था द स्टैचू ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने उनकी जो स्टैचू और मूर्ति को हटाना था, उन पर अटैक किया गया, ठीक है। विच वर प्लेस्ड, अब ये मूर्ति की बात हो रही है, जिसको रखा गया, प्लेस मीन्स होता रखना, स्थापित करना। विच वर प्लेस्ड ऑन अ ग्राम पंचायत लैंड, जो ग्राम पंचायत की जगह पर रखा गया था, स्थापित की गई थी, विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के। द इंसिडेंट अकर्ड, अकर्ड मीन्स होता घटना घटी है, इन सरौली टाउन में ऑफ बरेली डिस्ट्रिक्ट के सरौली टाउन में ये घटना घटी है, ऑन ट्यूजडे, मंगलवार को। द रॉ बिगन, जे जो विवाद है, बिगन मीन्स होता है स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म है बिगन, ठीक है। तो विवाद स्टार्ट हुआ ऑन मंडे मॉर्निंग व्हेन लोकल्स, जब स्थानीय लोग कंप्लेंट द पुलिस को कंप्लेंट की, शिकायत की, दैट द समवन हैड प्लेस द स्टैचू इन द एरिया ऑन संडे नाइट। संडे, जब पुलिस को कंप्लेंट हुई कि किसी ने जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, रख दी है वहाँ पर, ठीक है, संडे की जो रविवार की रात को। सर्कल ऑफिसर हैं अजय कुमार गौतम एंड SDM वेद प्रकाश मिश्रा उन्होंने मैनेज किया, मतलब जैसे तैसे मैनेज टू परसुएड में, तो समझाना, किसी को राज़ी करना, जैसे तैसे उन्होंने राज़ी किया कुछ सीनियर मेंबरों को। हु प्लेस द स्टैचू, जिन्होंने वो स्टैचू रखा था, जो मूर्ति थी उसे स्थापित की थी। ऑफिशियल्स, जो अधिकारी हैं, ऑफिशियल में से तो अधिकारी, स्टार्टेड देयर वर्क, अधिकारियों ने अपना काम चालू कर दिया, मतलब रिमूव करने का, हटाने का। वैन फ्यू मीन्स होता कुछ, वीमेन सडनली टर्नड अप मीन्स होता पहुँचना, अराइव, कुछ औरतें वहाँ पहुँची, एंड बिकम एग्रेसिव, और आक्रामक हो गई, एग्रेसिव मीन्स होता आक्रामक हो जाना, ठीक है। पुलिस ने कहा द एक्यूज्ड आरोपी इंक्लूडिंग वुमेन, औरतों सहित, पेल्टेड स्टोन मीन्स होता पत्थर फेंकना, पत्थरबाजी करना, तो उन्होंने पत्थरबाजी की, ठीक है। एंड अ फ्यू कॉप्स, उनमें से कुछ कॉप्स, फ्यू मीन्स होता कुछ कॉप्स, सस्टेंड इंजुरीज, उनको चोट लगे, सस्टेंड इंजुरीज मीन्स होता चोट लगना, ठीक है। एडिशनल SP रूरल राजकुमार अग्रवाल सैड, उन्होंने कहा 12 आइडेंटिफाइड मैन अलोंग विद नियरली मीन्स लगभग 60 अनआइडेंटिफाइड पीपल, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि 12 तो आइडेंटिफाइड हैं, जिनको जानते हैं, किसके साथ में, अलोंग विद में से, के साथ में, 60 अनआइडेंटिफाइड, 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं 40 वीमेन, जिसमें 40 औरतें शामिल हैं, हैव बीन बुक्ड, उन पर मामला दर्ज कर लिया गया है अंडर द सेक्शन ऑफ इस धाराओं के तहत, 147 राइटिंग, 148 राइटिंग विद वेपन्स, 353 असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू डिटर अ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, ठीक है। एंड 307 अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ IPC सेक्शन, ठीक है। तो इसके तहत उन लोगों पे मामला दर्ज कर लिया गया है, लगभग टोटल 70 लोग हैं ये, ठीक है। वी आर चेकिंग, हम चेक कर रहे हैं, चेक मीन्स होता है किसी चीज़ का निरीक्षण करना, एक तरीका। वी आर चेकिंग द फुटेज, हम फुटेज को चेक कर रहे हैं, जो वीडियो की फुटेज है,
टू किस लिए? टू आइडेंटिफाई द एक्यूज, जो आरोपी है उनको पहचानने के लिए। ठीक है, आइए इसमें कुछ टफ वर्ड्स देख लेते हैं। एज मैनी एज मीन्स होता है लगभग या करीब, ठीक है। एंड रिमूव मीन्स होता है हटाना। अकर्ड मीन्स होता है कोई चीज़ घटना। एंड टर्न अप मीन्स होता है पहुँचना। बिकम एग्रेसिव मीन्स होता है आक्रामक हो जाना। सस्टेन इंजुरी मीन्स होता है चोट लगना, ठीक है। और बाकी ऑलमोस्ट आपको मालूम है। अलॉन्ग विद मीन्स होता है के साथ साथ में। नियरली मीन्स होता है लगभग, ठीक है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर इसी तरीके की आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।